कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यालय ज्ञानपुंज पब्लिक स्कूल के निर्देशक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय तथा इस भाषण प्रतियोगिता में जजों के रूप में बैठे आदरणीय एवं सम्मानित शिक्षकगण, साथ ही यहां उपस्थित मेरे सपाटी मित्रों, सभी को मेरा सुप्रभात। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अर्चना कुमारी, कक्षा अष्टम की छात्रा, आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुझे भी इस भाषण प्रतियोगिता में कुछ बोलने का एक सुनहरा मौका मिला है, जिसके लिए मैं तहे दिल से शक्ति सर को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने अपनी बातों को रख सकूँ। साथ ही साथ इस भाषण प्रतियोगिता के जजों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं दहेज प्रथा जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी बातों को कह सकूं। तो मेरा आज का विषय वस्तु है दहेज प्रथा, जिसमें मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। जाकर पूछो उन लोग से वंश को कैसे चलाएंगे, जब बेटी ही नहीं रही तो बहू कहाँ से लाएंगे। दहेज प्रथा हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराइयों में से एक है, जो भारत में कई वर्ष पहले से ही चली आ रही है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यह पूरे भारत के हर राज, हर कस्बे, गांव, शहर में फैल चुकी है। इस प्रथा के अंतर्गत लड़की के पिता अपने लड़की की शादी में लड़कों के परिवार वाले की मांग पर पैसे या कीमती वस्तुओं को देते हैं, जिसे कहा जाता है कि दहेज वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिए गए धन ही दहेज प्रथा है। पहले के लोग अपनी बेटियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार के रूप में गहने या अन्य चीज को देते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, उपहार और धन से आज तक किसी का मन धरा है जो अब भर जाएगा। धीरे धीरे यही उपहार एक लालच में बदल गया और लड़कों की तरफ से मांग होने लगी कि हमें इतना पैसा या गाड़ी चाहिए, तभी हम अपनी बेटी से शादी करेंगे। अतः इससे तर्क निकलता है कि लड़की के पिता को सालों दस साल कर्जे में डूबा रहना पड़ता है तो कहीं लड़कियों की शादी ही नहीं होती। तो मैं आज इस मंच से चाहूंगी कि यहाँ उपस्थित गणमान्य शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सपाठीगण सभी प्रण ले कि दहेज रूपी प्रथा को अपने समाज से उखाड़ फेंकेंगे और न खुद दहेज लेंगे और न दहेज देंगे। साथ ही साथ अपने बेटे बेटियों को इतना सामर्थ्यवान बनाएंगे कि दहेज जैसी प्रथा को लेने और देने की जरूरत ही न पड़े। तो इसी कुछ चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। एक पिता ने सच्ची बात कही, किसी ने सोना किसी ने चांदी दे दी। एक पिता ने सच्ची बात कही, किसी ने सोना किसी ने चांदी दे दी। मेरे पास उतना नहीं था, मैंने तो उनको घर बसाने के लिए अपने घर की रौनक ही दे दी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अर्चना कुमारी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ इस भाषण प्रतियोगिता में अपनी बातों को रखा और जजों को मोहित करने का पूरा जोरदार कोशिश किया। मैं चाहूंगा कि जो भी इनका मार्क्स बनता है जज उसे अंकित कर दे। और आपने इस भाषण के बीच में एक बात ये कहा कि लड़के और लड़कियों को इतना सामर्थ्यवान बनाया जाए कि ना दहेज लेने की जरूरत पड़े और ना दहेज देने की जरूरत पड़े। लेकिन आजकल के बाबू सोना के चक्कर में, देखिए सुनिएगा, तुम क्या कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे, तुम क्या कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे, अरे खाक कहलाऊंगी मैं रानी जब ताज ही मेरे मायके से तुम मंगाओगे। तो इसी के साथ मैं इस कड़ी में अगला नाम और शायद ये लास्ट नाम होना चाहिए, जी लास्ट नाम ही है, क्लास 10 से खुशबू कुमारी, क्लास 10 से खुशबू कुमारी।